सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं और चार्ट एनालिसिस करके हम यहाँ पे चार्ट में कहाँ पे सपोर्ट बना, कहाँ पे रेजिस्टेंस बना, आज प्राइस का मूवमेंट्स कैसा था, अप डाउन था, साइडवेज था या डाउन साइड था, ठीक है, मार्केट में आज कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट ट्रेड्स बने, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आफ्टर मार्केट यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करके हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को भी और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि कहाँ पे रिस्क रिवर्ड रेशियो अच्छा बनता था। ठीक है, यहाँ पर हमने कितना ज़्यादा रिस्क ले लिया, इसी वजह से यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस से ज़्यादा लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमको एंट्री लेना था या नहीं लेना था, कहाँ पर एग्जिट लेना था ट्रेड के बाद, वो सभी हम चार्ट एनालिसिस करके क्लियरली यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और जो भी नए लोग आज इस चैनल पे आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि वो जानेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट अक्टूबर 2024 का यहाँ पर मैंने चार्ट लिया है। पहले मैं यहाँ पे चार्ट का ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, देखिए मार्केट आज यहाँ से ओपन हुई। ठीक है, ओपन होते ही मार्केट ने अप डाउन यहाँ पे मूवमेंट लिया, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करने लगा प्राइस। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने लगा तो मार्केट ने यहाँ पे 1, 2, 3 कैंडल यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म में यहाँ पे मार्केट ने बनाए। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर गिरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वापस से यहाँ पर एक सपोर्ट ले लिया इस वाली कैंडल पे और प्राइस वापस से ऊपर की ओर मूव करने लगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बन रहा है। कौन सा? सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक ऐसा सिमेट्रिकल ट्रायंगल की चार्ट का एक पैटर्न है, जिसमें प्राइस इसके अंदर ही मूव करने लगता है, और जब भी प्राइस इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो प्राइस अच्छी मूवमेंट के साथ गिरता है या ऊपर की ओर मूव करता है। ठीक है, इसमें हमारा हमको यहाँ पे अच्छा सा एक ट्रेड भी मिल सकता है अगर इसको कैप्चर कर लेते हैं तो। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल यहाँ पर बनाया। ठीक है, यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनाया, फिर कहाँ पर ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया। देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, फिर प्राइस देखिए कैसे यहाँ से नीचे की ओर फॉल कर गया। ओके, तो चलिए इसको हम समझते हैं कि कैसे हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। चलिए अब जाते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम पे। हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ये मैंने यहाँ पे 4 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे मैंने लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मूव किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया, तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे शूटिंग स्टार यहाँ पे बन रहा था। ये कौन सी कैंडल बनी? शूटिंग स्टार। यहाँ पे आपको मिनिमम 4 कैंडल के बारे में आपको नॉलेज होनी जरूरी है। पहला है हैमर, दूसरा है शूटिंग स्टार, तीसरा है ड्रैगन फ्लाई डोजी, चौथा है ग्रे स्टोन डोजी। ठीक है, और इसके बाद आता है पीपीएफ मॉडल। वो मैंने यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताता हूँ पीपीएफ मॉडल क्या होता है। एक 3 कैंडल का एक ग्रुप होता है, 1, 2 और 3। थर्ड कैंडल का लो इस फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे क्लोज कर दें। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ब्रेकडाउन हो गया, प्राइस इससे नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वैसे ही अप ट्रेंड में होता है। ठीक है, अप ट्रेंड में मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, इस 3 नंबर की कैंडल का हाई जब भी फर्स्ट नंबर की कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होती है, ठीक है, तो यहाँ से चांसेस बढ़ जाता है कि प्राइस अब अपसाइड मूवमेंट देगा। लेकिन ये पीपीएफ मॉडल कहाँ पे बनना चाहिए वो मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ। ठीक है, तभी आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे नॉलेज आएगी कि कहाँ पे चार्ट पे अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे शूटिंग स्टार पे।
तो पहले यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, तो शूटिंग स्टार का मतलब है कि प्राइस यहाँ से गिरेगा, लेकिन यहाँ पे ईएमए लाइन पे वापस से यहाँ पे सपोर्ट ले लिया प्राइस में, ठीक है। फिर वापस से यहाँ पर रिजेक्शन लिया, ठीक है, और यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर डाउनफॉल यहाँ पे दिखाया हमको। तो यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे अच्छा सा यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता था अगर हम आइडेंटिफाई करते तो हमारा एंट्री कहाँ पे बन सकता था। फर्स्ट यहाँ पे हमारा एंट्री यहाँ पे बन सकता है, जैसे ही यहाँ पे ईएमए लाइन के नीचे ये कैंडल क्लोजिंग देती, ठीक है। इसके बाद हमको क्या देखना था, वापस से कोई ग्रेव स्टोन लोजी या शूटिंग स्टार दिख रहा है तो ये वाली कैंडल देखिए, यहाँ पे ग्रेव स्टोन लोजी हमको दिख रहा है। तो इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम अच्छा सा यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, और अपना टारगेट कहाँ पे होता, प्रीवियस कैंडल का जो भी सपोर्ट होता, देखिए प्रीवियस कैंडल का जो भी सपोर्ट होता वो हमारा टारगेट होता। तो यहाँ पे प्रीवियस टाइम पे कहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो कि यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, देखिए यहाँ पर प्राइस ने पहले यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना टारगेट यहाँ पे एग्जीक्यूट करते और इस वाली कैंडल पे हम एंट्री ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा अच्छा सा हमारा यहाँ पे ट्रेड बन सकता था, ओके। चलिए नेक्स्ट, फिर यहाँ पे हमको देखना है कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन के पास ऐसी कोई कैंडल बनती है, मैं माइक्रो टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, जब भी ट्रेंड लाइन के पास, देखिए यहाँ पर जब भी ट्रेंड लाइन के पास कोई ऐसी कोई कैंडल बनती है, हैमर या ड्रैगन फ्लाई डोजी, लेकिन कब, जब भी 4 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई सिग्नल दिखे, कौन सा सिग्नल, ये वाला सिग्नल हमको जब दिखे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, कि प्राइस ने ईएमए लाइन को यहाँ पे कट कर दिया है, ठीक है, तब हमको क्या देखना है, माइक्रो टाइम फ्रेम पे आना है और इसके बाद हमको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, कहाँ आइडेंटिफाई करना है, इसके बाद दूसरी कैंडल पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये दूसरी कैंडल है, तो यहाँ पे हमको देखना है कि कहाँ पे प्राइस ने यहाँ पर कोई हैमर टाइप की कैंडल यहाँ पे बनाई है, तो क्या, हाँ भैया यहाँ पर एक कैंडल यहाँ पे बनी है, ठीक है। तो इसी कैंडल पे हम एंट्री ले सकते हैं, अगर हम इस कैंडल पे अच्छी सी हम अपना एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगता, और हमारा टारगेट कहाँ तक का होता, तो इस ट्रेंड लाइन के पास का हमारा यहाँ पे टारगेट बनता। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने यहाँ पे तो टच नहीं किया, वापस से प्राइस इसकी और नीचे की ओर मूव किया, फिर वापस से यहाँ पर टच किया, तो हम मैक्सिमम यहाँ पर एग्जिट ले सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी, प्राइस ने यहाँ पर देखे, यहाँ पर एक और यहाँ पे डाउनफॉल यहाँ पे सिग्नल दिया, ठीक है। इसके बाद हमको क्या देखना है, यहाँ पर देखना है 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे, तो इसके बाद प्राइस कौन सी ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पे मूव कर रहा है, तो देखिए वापस से मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस ने इस हायर पॉइंट को टच किया था और इस वाली कैंडल को कट किया, तो इन दोनों को मिला के ये एक ट्रेंड लाइन बनी है, ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन हो गई है। क्यों इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है, क्योंकि इस मूवमेंट का यहाँ पे पिक पॉइंट है ये, ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ से निकाल देता हूँ, इस मूवमेंट का पिक पॉइंट है ये, और इस कैंडल ने यहाँ पर डाउन ट्रेंड का सिग्नल यहाँ पे दे दिया। तो इन दोनों को मिला के जो भी ट्रेंड लाइन बनती है उसको हमको ड्रॉ करना है, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस मूवमेंट कर सकता है, वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखिए कि वैसे ही इस ट्रेंड लाइन के पास प्राइस वापस से आने की कोशिश करता है इस वाली कैंडल पे, यहाँ पर देखिए इस वाली कैंडल पे वापस से आने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ पे कोशिश किया, यहाँ पे कोशिश किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे ट्रेड लेंगे, तो देखिए जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे और ईएमए लाइन के नीचे क्लोजिंग देगा तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। तो सपोज कि हम यहाँ पर एक एंट्री लेते हैं इस वाली कैंडल पे, ठीक है, सपोज कि हम यहाँ पे एंट्री ले लेते, चलिए
यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बनता, ठीक है। तो हमारा एग्जिट कहाँ पे बनता है, तो अपने हिसाब से हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगाते हैं और हमारा अच्छा सा यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता था। ये देखिए, अच्छा सा हम यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते थे, ठीक है। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कितना लगा, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लगा। अगर हम प्राइस एक्शन के बिहाब पे हम एग्जिट लगाते हैं तो हमको क्या देखना है कि प्रीवियस सपोर्ट कहाँ पे लिया था प्राइस ने, तो प्राइस ने प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पे लिया था। ये देखिए, प्रीवियस सपोर्ट प्राइस ने यहाँ पे लिया था। उसके बाद कहाँ पे प्राइस ने प्रीवियस सपोर्ट लिया, तो देखते हैं आगे अगर कोई सपोर्ट दिखता है तो। नहीं, कोई भी आगे नया कोई भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते थे, लेकिन अगर हम ज़्यादा होल्ड करते इस ई एम ए लाइन की बिहा पे, तो हम यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हैं। जब भी प्राइस ई एम ए लाइन के पास आती तो हम यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, प्राइस यहाँ पर बैक टू बैक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, तो ये क्या बन गया, ये एक सपोर्ट जोन बन गया। और प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही फ्लो कर रहा है, मतलब कि अभी भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, ठीक है। तो फिर अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तभी प्राइस में कोई अलग ट्रेंड शुरू होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर वापस ने इस ईएमए लाइन के ऊपर इस कैंडल ने क्लोज कर दिया कैंडल ने, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अपना बुलिश सिग्नल यहाँ पे बन गया। तब हमको क्या देखना है कि पहले तो हमको देखना है कि ट्रेंड लाइन कौन सी बन रही है। तो यहाँ पे देखिए, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से कनेक्ट करना है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये बुलिश सिग्नल वाली कैंडल है और प्रीवियस जो भी एंगल बनता है लो पॉइंट का, उसको हमको मेजर कंसीडर करना है। तो यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, फर्स्ट ये पॉइंट, सेकंड ये पॉइंट को मिला गया, तो ये अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या देखना है कि कहाँ पे ट्रेड हम ले सकते हैं। तो ट्रेड लेने की कंडीशन यही है जो पहले मैंने बताई थी, कि एक ट्रेंड लाइन के पास ऐसी कोई कैंडल बननी चाहिए और इस कैंडल का कंफर्मेशन ये ईमे लाइन देना चाहिए, ठीक है, तभी हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ईएमए कंफर्मेशन कहाँ तक मिलेगा, फर्स्ट या सेकंड कैंडल में ही ईएमए कंफर्मेशन मिलना चाहिए, अदरवाइज फोर या फाइव कैंडल पे ईएमए कंफर्मेशन मिलता है तो ये हमको कंसीडर नहीं करना है, इसी कंडीशन पे हमको टके रहना है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं इस वाली कैंडल पे, तो हमारा रिस्क रिवर्ड रेशियो कितना बनता, देखिए इसके ट्रेंड लाइन के नीचे का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते, फिर हम प्रीवियस जो भी हाई होता या सपोर्ट होता उसको हम यहाँ पे टारगेट एग्जिट बनाते, ठीक है। प्रीवियस क्या है, तो प्रीवियस यहाँ पे प्राइस ने एक सपोर्ट लिया था, ये देखिए यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था, तो इसी लेवल पे हम एग्जिट कर सकते थे, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे अच्छा से यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था, ओके। चलिए इसको निकाल देते हैं पहले, चलिए अच्छा से यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता था, तो ये अपना अच्छा एक ट्रेड यहाँ पे बन चुका, ठीक है। प्राइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, फिर वापस से ट्रेंड लाइन को टच किया और फिर वापस से रेजिस्टेंस की ओर यहाँ पे मूव किया, तो ये क्या हो गया, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। जब भी प्राइस एक बार किसी लेवल से गिरता है, वापस से ट्रेंड लाइन पे आता है और ट्रेंड लाइन से वापस से उसी लेवल पर रिस्पॉन्स देता है, तो वो लेवल क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही सपोर्ट में भी यही कंडीशन है, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस बन गया है यहाँ पे, फिर यहाँ पर एक कन्फर्मेशन लेना है कि प्राइस कहाँ पे मूव करेगा, तो कन्फर्मेशन हमको यहाँ से मिलता है, देखिए ये देखिए, प्राइस ने यहाँ पर ईएमए लाइन को ऊपर से नीचे कट किया, अच्छी तरीके से यहाँ पे कट किया। तो फिर हमको आना है लोअर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर आने के बाद हमको देखना है कि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बनी नहीं रही है, क्यों, क्योंकि सब हॉरिजॉन्टल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से अगर ट्रेंड लाइन बनाना चाहिए तो इसका हायर पॉइंट लेना है और जो भी कैंडल कट हुआ है उसका यहाँ पे हाई पॉइंट ले लेना है और ये ट्रेंड लाइन बना देनी है, ठीक है, ऐसे ही एक ट्रेंड लाइन बना देनी है। तो
तो इसके बाद हमको देखना है कि प्राइज ने इसके बाद वाली कैंडल पे कहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया है। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छा सा एक शूटिंग स्टार बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते थे, इस वाली कैंडल पे हम एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता, देखें अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं इस वाली कैंडल के बाद, तो हमारा स्टॉप लॉस होता है इस शूटिंग स्टार के हाई पे और हमारा टारगेट होता है इस वाले लेवल पे, ठीक है। इसी यहीं पर हम अपना टारगेट यहाँ पे बुक कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट पे काफ़ी देर यहाँ पे स्टोर हुई प्राइस, देखिए फर्स्ट सेकंड और फिर यहाँ पर रिस्पांस दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने यहाँ पर बुलिश सिग्नल यहाँ पे दिया, फिर वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है, एक ट्रेंड लाइन बनानी है, बुलिश सिग्नल कंफर्म करना है, फिर वापस से आना है 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे आने के बाद जब भी प्राइस यहाँ पे बिग टाइम फ्रेम पे EMA लाइन या ट्रेंड लाइन के पास आए प्राइस, तब हमको 30 सेकंड टाइम फ्रेम पर फोकस करना है। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे सिग्नल मिला, ठीक है, हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ट्रेंड लाइन हमको बिग टाइम फ्रेम पे ही यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, फिर वापस से जब भी प्राइस EMA लाइन को टच करें और ट्रेंड लाइन को भी टच करें, तो वो क्या है, इम्पोर्टेंट जोन हो गया, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे हम अगर ट्रेड लेते तो हमारा यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलता, तो जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टच किया कैंडल ने, उसके बाद हमको होल्ड करना है इसके हाई के ऊपर, देखिए इस कैंडल के हाई के ऊपर कोई कैंडल निकली है वो हमको देखना है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल इसके हाई के ऊपर निकली, तभी हमको यहाँ पर एक एंट्री बना देनी है, ठीक है, और स्टॉप लॉस हमारा इस EMA लाइन के नीचे हम बनाना है, फिर प्राइस अपने हिसाब से हम यहाँ पे ले सकते थे प्रॉफिट, ठीक है। तो ये अपना अच्छा सा यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था, ओके। फिर चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए प्राइस ने यहाँ पर एक अच्छा सा एक रेजिस्टेंस फेस किया, जैसे प्राइस यहाँ पर आया यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर वापस से प्राइस यहाँ पे गिर गई, ठीक है, वापस से यहाँ पे बुलिश सिग्नल दिया, फिर यहाँ पे फेल हो गई ब्रेकआउट करने के, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया, फिर वापस से प्राइस यहाँ से गिर गई, ठीक है। तो वही प्रोसेस हम यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा हमको ट्रेड मिल सकता था, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमको एक सेलिंग सिग्नल मिला, ठीक है, इसके बाद हमको देखना है कि कहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास कोई शूटिंग स्टार बन रही है, क्योंकि हाँ भैया यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बन रही है, ये देखिए इसको निकाल देते हैं, इससे लेते हैं, तो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बन रही है, ठीक है। तो इसी शूटिंग स्टार पे हम अगर एंट्री लेते हैं तो हम कैसे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसके बाद वाली कैंडल पे हम एंट्री लेते हैं, ये अपना हायर पॉइंट का स्टॉप लॉस होता और प्रीवियस जो भी सपोर्ट होता वो अपना टारगेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे अच्छा सा एक ट्रेड बन सकता था, ठीक है। चलिए फिर आते आगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, वापस से यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर ऊपर की ओर मूव करने लगा, ठीक है। तो प्राइस एक चैनल में यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल में प्राइस स्टोर होने वाली है, ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल जिसमें प्राइस स्टोर होती है इसी दो ट्रेंड लाइन के बीच में, ठीक है। और जब भी प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो फिर वापस से रिटेस्ट करती है, तो रिटेस्ट करने के बाद प्राइस का मूवमेंट यहाँ पे जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसके ब्रेकआउट के बाद अच्छा सा यहाँ पे मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे आ जाती है तो मार्केट क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग के टाइम पे ही ऐसी कंडीशन को हमको फोकस करना है, क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है तब हमको
अपनी जो भी ओपन पोजीशन है उसको स्टेडी फॉरवर्ड नहीं करना है, ठीक है, हमको नेक्स्ट डे फॉरवर्ड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे काट देना है, क्योंकि प्राइस ऐसे में कोई भी डिरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग दिखा है, यहाँ पे बाइंग दिखा है, प्राइस यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। और फिर नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं कि प्राइस, हमने सोचा कि प्राइस ऊपर की ओर मूव करेगा डिसेंडिंग ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दे दी। तो यहाँ पे अगर हम इसको निकाल दे, या अगर यहाँ पे हम अच्छा सा यहाँ पे अपना पोजीशन ओपन रखते हैं तो अच्छा सा यहाँ पे जो भी प्रॉफिट मिला वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता और उससे ज़्यादा भी लॉस हो जाता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे स्कैल्पिंग करने के टाइम पे हमको नेक्स्ट डे पोजीशन ओपन नहीं रखनी है, एट अ टाइम हमको कुछ सेकंड या मिनटों के लिए ही हमको ट्रेडिंग करनी है, उसको स्कैल्पिंग कहते हैं, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कि कैसे चार्ट को एनालिसिस करते हैं, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे प्राइस एक्शन और इंडिकेटर को मिक्स करके एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, कैसे रिस्क रिवर्स रेशियो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए क्योंकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, गुड बाय।